आप सबका धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ पर आए। आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का जो मकसद था वो ये था कि हम कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आप सब क्राइम रिपोर्टर्स हैं, तो आपको सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ बैक टू बैक काफ़ी चोरियाँ जम्मू शहर में हुई हैं। हमारी सब डिवीज़न ईस्ट में भी 5-6 चोरियाँ हो गई और ये सब चोरियाँ दिन दहाड़े हुई। जब हम काम करने लगे इन चोरियों के ऊपर तो हमने देखा कि चोरी करने का तरीका से लेकर के टाइमिंग तक वो सब मैच करते थे। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पॉसिबली ये एक ही ग्रुप हो सकता है जो सब जगह पे जिन्होंने ये वारदातें की। हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की, SDPO ईस्ट जहीर साहब ने, नायब साहब ने, सब ने टीम्स बना करके और इसमें बहुत मेहनत की। ग्राउंड से इंफॉर्मेशन गैदर करी, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, CCTV कैमरास खंगाले और हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए और फिर जब उनको सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो फिर उनमें से 4 लोगों ने कबूल किया कि वो इन चोरी की वारदातों में शामिल हैं। इन 4 लोगों की पूछताछ से 10 केसेस थेफ्ट के हमारे सॉल्व हुए हैं, जिसमें 5 केसेस सिर्फ त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन के हैं, 1 केस सतवारी पुलिस स्टेशन का है, 1 केस छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन का है, 1 केस नगरोटा पुलिस स्टेशन का और 2 केसेस कटरा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में हैं। इनसे पूछताछ के दौरान जो रिकवरी हमें हुई है वो हमने डिस्प्ले करी है यहाँ पे। अभी तक कुल मिलाकर हमने 800 ग्राम गोल्ड रिकवर किया है, यानी 80 तोले सोना हमने रिकवर किया है। इनका चोरी करने का तरीका ये रहता था कि ये पहले 1-2 लोग आकर के उस एरिया की रेकी करते थे जहाँ पर ये अपना टारगेट चूज़ करते थे किसी घर को, और उन घरों को चूज़ करते थे जहाँ पर दिन में या तो ताला रहता है या इनको अंदाज़ा होता था कि इस घर में कोई है नहीं, तो ये मोस्टली उन घरों में करते थे और दिन में करते थे। तो इसलिए दिन में इतना आना जाना लोगों का रहता है कि कोई इन पर शक भी नहीं करता था और ये आराम से निकल जाते थे। पुलिस स्टेशन त्रिकुटानगर की टीम ने बहुत मेहनत करी है इसमें और आने वाले दिनों में हम और अरेस्ट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिकवरीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, हालांकि आप लोगों ने पहले ये रिपोर्ट किया है, चोरी के और भी कई मामले पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने वर्कआउट किए हैं, जिसमें पिछले महीने 4 ट्रक हमने जनपद चीज रखेंगे तो नहीं बाकी यही है छोटी वाली बॉडी मुझे पकड़ाने वाले कोई वो नहीं थे ना अभी आदमी।